डेफिनेशन नोट करिएगा. एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the rate of change of its velocity with time is defined as the rate of change acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी है उसका एक्सेलरेशन लगातार हो रहा है, तो उस एक्सेलरेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी याद रखिएगा फिजिक्स में जब भी कभी हम रेट की बात करते हैं तो रेट का मतलब क्या है कि एनीथिंग इज डिवाइडेड बाई टाइम, एनीथिंग इज डिवाइडेड बाई टाइम, तो मैं बोलूँगा वो उसका रेट है. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज, चेंज का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर बाद मेरी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 11 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कितना हुआ, 11 माइनस 10. पहले मेरी वेलोसिटी थी 10, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था. अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड समझ लो एक ही बात है, लेकिन वेलोसिटी में क्या आता है, बस डायरेक्शन और आ जाती है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि चेंज जो होता है, चेंज क्या है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए. जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हमारी एज 15 साल है, कुछ समय पहले हमारी एज 12 साल थी, तो हमसे ये पूछा जाए कि आपकी एज में चेंज कितना आ गया, तो आप क्या बताओगे, हमारी एज मान लीजिए 15 साल है और कुछ समय पहले हमारी एज थी 12 साल, तो अब एज में चेंज कितना आ गया, 3 इयर्स का. कैसे करा, हमारी जो आज की एज है उसमें से हमने अपनी जो प्रीवियस एज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है ना, तो हमने आज की हमारी जो एज है उसको हमने बोल दिया कि फाइनल एज है ये हमारी, और जो पुरानी एज थी उसको हमने बोल दिया कि ये हमारी इनिशियल एज थी, इनिशियल मतलब शुरुआत वाली एज. तो फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो चेंज आ जाता है. तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज. तो रेट, अगर किसी भी चीज़ के रेट की बात करेंगे तो ये चीज़ आगे तक याद रखना फिजिक्स में. अभी जैसे आप 9th में, फिर 10th में, 11th में, 12th में, तो जहाँ पर भी कहीं रेट ऑफ चेंज की बात आ जाएगी, तो जिस भी चीज़ का रेट होगा, रेट का मतलब क्या है कि उस चीज़ को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, रेट का मतलब आप टाइम से डिवाइड करेंगे. तो क्या है ये, मैं फिजिक्स में बोल रहा हूँ. अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम अकाउंट्स में, कॉमर्स में देखें, तो जब रेट निकाला जाता है तो उसको मनी से, उसको रुपीज़ से डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि 10 क्लॉथ्स, कोई 10 कपड़े हैं, है ना, हैंकी है मान लो, उनकी कॉस्ट मान लो 500 रुपये. ठीक है, और एक हैंकी की कॉस्ट जो है वो 50 रुपये, तो आप रेट बताइए. तो आप क्या करेंगे, एक की कॉस्ट 50 रुपये और टोटल कॉस्ट 500 थी, तो आपने 500 को 50 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो 500 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि कितना आ गया, 10 आ गया. तो 10 का मतलब क्या है कि वो आपकी हैंकी आ गया, कि कितने हैंकी. तो फाइनेंस के एस्पेक्ट्स में जब बात करते हैं, अकाउंट्स के एस्पेक्ट्स में जब बात करते हैं, तो तब रेट का मतलब क्या है कि आपको उसको टाइम, पैसे से डिवाइड कर देना, रुपीज़ से डिवाइड कर देना. और फिजिक्स में जब बात करेंगे तो रेट जहाँ पर भी आएगा आपको टाइम से डिवाइड कर देना. तो यहाँ पर क्या है कि चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी change in velocity upon time taken. ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको हम, और क्या कहा जा सकता है, change in velocity और acceleration is equal to final velocity, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है समझ गए ना। जैसे हमने एज की बात करी कि हमारी एज आज कुछ है, पहले कुछ और थी, तो आज हमारी एज मान लो 15 साल है, कुछ समय पहले हमारी एज 12 साल थी, तो आज वाली एज को हमने बोल दिया फाइनल एज और कुछ समय पहले वाली को बोल दिया इनिशियल एज। तो इसी तरह से वेलोसिटी में जब चेंज निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे एंड डिवाइड बाई टाइम टेकन, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट रेट। तो रेट की जहाँ भी बात करेंगे वहाँ टाइम से आपको डिवाइड करना ही करना है, समझ गए ठीक है। अब इसके बाद आप नोट करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम ऑब्लिक एस का स्क्वायर, एस फॉर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी इसकी एसआई यूनिट होगी एक्सेलरेशन की। तो जैसे मैंने लिखा एम ऑब्लिक एस का स्क्वायर, तो ये ऐसे हो गया जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी मतलब स्पीड एक तरह से, क्या यूनिट होती है बताइए। अरे वेलोसिटी की यूनिट ही तो पूछ रहा हूँ, सारे चुप बैठ गए। अरे किलोमीटर तो डिस्टेंस की होती है, तो वेलोसिटी की क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, 10 की स्पीड से चल रहे हो तो 10 क्या किलोमीटर पर आवर, समझ गए। तो डर जाते हो कि मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया है, किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह से आप ये सोचिए कि जो एसआई यूनिट होती है यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो स्टैंडर्ड सारे वर्ल्ड में जो मानी जाती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने बोला ये चीज़ हमेशा याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको ना, यूनिट्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, कुछ भी बताइए, कुछ भी डिस्टेंस क्या, लेंथ ही तो है एक तरह से, तो उसकी यूनिट किलोमीटर हो गई है ना, या मीटर हो गई या सेंटीमीटर हो गई, बिल्कुल सही। तो मैंने ये कहा कि डिस्टेंस की यूनिट अगर मीटर है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड या आर या मिनट, मैंने कहा सेकेंड की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट सेकेंड है, और बीच में क्या किस चीज़ का साइन है, अपॉन का, तो ये क्या हो गया मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड है ना। और ये अपॉन का साइन को ऐसे ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पता होगी शायद, कि ये जो नीचे एस की पावर वन है, नीचे एस की पावर वन है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या बन जाता है, माइनस वन, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि इसको मीटर पर सेकंड को ऐसे ना लिख कर ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस की पावर माइनस वन, एम एस की पावर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है एम ऑब्लिक एस का स्क्वायर। अब होती है तो चलो हमने कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी है मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी है किसी कार की, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो कितना चेंज हो गया वेलोसिटी में, 15 किस मीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर आ रही है ये भी तो मीटर पर सेकंड ही होगी इसकी यूनिट भी, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। देखते रहे ना फिर समझ जाओगे कि इसको भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीटर पर सेकंड हो गई इसकी यूनिट। और जो नीचे टाइम टेकन दे रखा है इसकी यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये जो मीटर अपॉन सेकंड है, मीटर अपॉन सेकंड है, इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई, इट इज अगेन गेटिंग डिवाइडेड बाई सेकंड, पर मतलब मैं यूनिट से यूनिट को डिवाइड कर रहा हूँ, और कर सकते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक। आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को रखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि मीटर पर सेकंड इज गेटिंग डिवाइडेड बाई अगेन सेकंड। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड, और डिवाइड का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एस अपॉन वन है तो इसको क्या बोलेंगे, अपॉन एस, बेटा ये क्या हो गया एम अपॉन एम इंटू वन एम एस स्क्वायर, तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या एम एस की पावर माइनस टू लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर लिख दो एम एस की पावर माइनस टू,
जैसे इसको एम एस की पावर माइनस वन लिख दिया था, अब मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद आप नोट करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लिखेंगे अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट in a straight line body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. By equal amounts in equal intervals of time. ठीक है, in equal amounts. Equal amounts in equal intervals of time. तो आप ये देखिए कि जो यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे फिर वो तीसरी जो मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चाहे फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो डेफिनेशन है ना मोर और लेस एक जैसी ही है। जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी थी तो हमने कहा था इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया था। इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी के इंक्रीज होने के लिए तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है? इन्होंने सिर्फ इंक्रीज के लिए लिखा है, वैसे डिक्रीज वाला भी एक्सेलरेशन ही होता है, पर डेफिनेशन में सिर्फ इंक्रीज लिख दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट्स वेलोसिटी increases by equal amounts in equal intervals of time, तो उसको क्या बोल देते हैं uniform acceleration। कैसे? सोचो कि मैं यहाँ से मेरठ जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेरी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन एक घंटे बाद मैं चेक करता हूँ, एक घंटे बाद मैं चेक करता हूँ, एक घंटा तो नहीं जाने में, एक घंटा रखते मैं 15 मिनट बाद चेक करता हूँ, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है? तो 15 मिनट में कितनी बढ़ गई, 10, ठीक है, 15 मिनट में 10 बढ़ गई। फिर मैंने अगले 15 मिनट बाद चेक करा, मतलब टोटल आधे घंटे बाद चेक करा, तो मेरी वेलोसिटी 50 से बढ़कर और 10 और बढ़ गई, 60 हो गई, ठीक है? फिर मैंने और 15 मिनट बाद चेक करा, फिर 60 से बढ़कर 70 हो गई, फिर और 15 मिनट बाद चेक करा तो 70 से बढ़कर 80 हो गई। इसका मतलब क्या है, हर 15 मिनट में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाई हाउ मच, 10 किलोमीटर पर आवर। हर 15 मिनट में मेरी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 15 मिनट का इक्वल इंटरवल है, इक्वल टुकड़े हैं टाइम के, तो 15 मिनट पर 10 किलोमीटर पर आवर हर 15 मिनट पर बढ़ रही है वेलोसिटी, तो इसी को मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ठीक है? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है कि मुझको स्कूटी मिल गई चलाने के लिए, अभी मैंने स्कूटी चलानी सीखी है और मैंने कहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा स्कूटी चलाऊँगा, बस पूरे मज़े मुझे आज ही लेंगे। मैंने क्या करा, स्टार्ट करके उसको पूरा घुमा दिया एकदम कि मैं 80, 90, 100 जाऊँगा मेरे को, ठीक है? आज तो रिकॉर्ड बनूंगा मुझे कि जब यहाँ से निकलूँगा ना तो धूल उड़ती हुई नज़र आ जाए, किसी को स्कूटी दिखाई ना दे कि कोई आया था, कोई उड़ गया हवा के झोंके की तरह, ठीक है?
मैंने क्या करा, मैंने 100 की स्पीड पर पहुंचा दिया उसको, दूर उड़ गई चारों तरफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाल आंखें वाँखें सब हवा हवा हो गया सब कुछ। लेकिन देखा कि थोड़ी देर बाद बड़ा भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, फिर अचानक से मेरे को ब्रेक लगाना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। एक तरफ तो आपने पागलों की तरह स्पीड बढ़ा दी बहुत तेज, और एक तरफ क्या हुआ, एकदम ट्रैफिक जाम आ गया तो आपको अचानक से ब्रेक लगाने पड़े, तो उधर आप 100 किलोमीटर पर आवर पर चल रहे थे, एकदम जीरो पर आ गए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई इसमें। आपकी स्पीड एक तरफ तो जीरो से लेकर 100 तक जूम बढ़ती चली गई, और उसके बाद क्या हुआ कि 100 से एकदम जूम जीरो पर आ गए, एकदम से ब्रेक लगाया आपने। तो इसका मतलब क्या, एक तरफ तो आप बढ़ा रहे हैं एकदम बहुत तेजी से, और एक तरफ से एकदम झटके से कम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो जाम खुल गया, फिर आपने कहा नहीं यार इसमें ना एक्सीडेंट भी हो सकता है, थोड़ा ना ध्यान से चलो आराम से। तो फिर हम नॉर्मल चलने लगे स्पीड से, तो नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे जा रहे हैं, 40, 41, 42, 50। फिर अचानक से क्या हुआ कि आपका कोई दोस्त आया, वो साइड से जूम करके निकल गया। फिर आपको लगा नहीं नहीं मेरे को भी उड़ाना चाहिए था, मुझे हराया कैसे इसने, अभी मैं आगे निकलूँगा। तो फिर अचानक से आपको फिर से वही चीज़ हो गई कि नहीं हमको और तेज चलाऊंगा। तो इन दिस वे आपकी जो वेलोसिटी है वो बड़ी हैपहैज़र्डली बिहेव कर रही है, बड़ी अजीब तरीके से, कभी तेज बढ़ती है कभी कम हो जाती है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और सुना भी होगा कभी स्कूटी में या कार में, कार में ना तीन पैडल होते हैं, जो नॉर्मल कार्स हैं उनमें तीन पैडल होते हैं। तो ड्राइवर बैठता है, वो स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे कंट्रोल करेगा, और जो सबसे इधर वाला पैडल होता है उसको ए बोलते हैं, बीच वाले पैडल को बी बोलते हैं, और इधर वाले पैडल को सी बोलते हैं। ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक एंड सी फॉर क्लच, ए बी सी। तो वो जो एक्सेलरेटर है वो एक्सेलरेटर यही है, एक्सेलरेशन। अब पैडल विच प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन, तो वो पैडल को जब हम प्रेस करते हैं तभी हमारी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, क्योंकि वो हमको एक्सेलरेशन दे रहा है, वो हमारी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही है कि बिल्कुल सेम डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हेन इट्स वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज बाय इक्वल इंटरवल्स, इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, कि या ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, डिफाइन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल क्या है, ये पेट्रोल, पेट्रोल हो गया ना नॉन रिन्यूएबल, कहते हैं ना पेट्रोल के प्राइस इतनी इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक टाइम बाद ना ये खत्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं कर सकते इसको। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को कहते हैं कि प्लांट्स की लकड़ी हम काट सकते हैं, लकड़ी काट के उसको जला सकते हैं और उससे स्टीम बनाकर हम पावर जनरेट कर सकते हैं। तो प्लांट्स तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट्स आप एक काटोगे दो प्लांट्स लगा लो। ठीक है, तो जब आप प्लांट्स काट भी रहे हो और प्लांट्स लगा भी रहे हैं तो वो प्लांट्स फिर उनकी वाटरिंग वगैरह करो तो वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं। तो प्लांट्स तो जितने आप लगाओगे उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट, उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता चला जाएगा, वो बात और है कि कोई प्लांट्स लगाता नहीं। ठीक, तो खैर वो हो गया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, लेकिन ये पेट्रोल वगैरह नॉन रिन्यूएबल है। तो अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अब हमें पता ही नहीं है। द रिसोर्सेज विच आर नॉट रिन्यूएबल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऐसे फंडे लगा देते हैं ना पेपर में जब क्वेश्चन नहीं आता, तो वो फंडा मत लगाना, इसकी डेफिनेशन लिखना कि मैं यूनिफॉर्म के बाद लिखवा रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई पूछ ले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये काम मत कर देना, लिखो फटाफट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform acceleration इसमें देखिएगा, a body has a non-uniform acceleration non-uniform acceleration the body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts
if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time भाई टाइम के इंटरवल तो हमेशा इक्वल रहेंगे, टाइम का कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज टाइम का मूड खराब है तो आज 7 बजे के बाद 8 बहुत जल्दी बच जाएंगे, ठीक है, आज टाइम का मूड बहुत अच्छा है तो टाइम स्लो स्लो चलेगा, ऐसा नहीं होता, टाइम हमेशा बराबर बराबर इंटरवल से ही चलता है। तो इसलिए आप हर डेफिनेशन पे देखिएगा, जहाँ पर भी टाइम इन्वॉल्व है वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म में भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम था, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है, इक्वल इंटरवल्स के साथ ही चलता है, ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, कभी आपने बहुत तेज चला दिया, कभी आपने एकदम धीरे कर दिया, कभी आप रुक ही गए, ठीक है, कभी आप स्लो स्लो चलने लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद आप नोट करेंगे रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिसीलरेशन, DECE और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग अंडर retardation if its velocity decreases with time, under retardation if its velocity a body is said to be moving under retardation if its velocity decreases with time, agar us body ki velocity jo hai wo time ke sath a body is said to be moving under retardation if its velocity डिक्रीजेस विद टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है तो, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला नोट करें, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज final
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन, कैसे निकलता है किसी भी चीज का, दोनों वैल्यूज को ऐड करो डिवाइड बाय टू कर दो, ठीक है। तीन चीजों का मीन निकालना हो तो तीनों चीजों को ऐड करो डिवाइड बाय थ्री कर दो, पांच चीजों का निकालना हो पांचों चीजों को ऐड करो डिवाइड बाय फाइव कर दो। तो यहाँ पर तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो दो क्वांटिटीज हैं, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय टू कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू, टू से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिएगा, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार from 25 meter per second to 10 meter per second from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds full stop. Find the acceleration of the car. Find the acceleration of the car. A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second. तो एक driver decreases the speed of a car. ठीक है, वो car की speed decrease कर रहा है, तो decrease कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, retardation, ठीक है। तो इसका मतलब car originally 25 meter per second पर चल रही थी, तो देखो क्या होता है कि जो value मुझे दे रखी होती है कि कार इतनी स्पीड पर चल रही है, इतनी वेलोसिटी पर चल रही है, तो वो उसकी ना शुरुआती वेलोसिटी है। शुरुआती वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या होगी, 25 इनिशियल वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो पूछ रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब एक्सेलरेशन देखो ऐसा होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, चलो पहले लिखो एक्सेलरेशन, टाइम टेकन कितना है 5 सेकंड्स, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time taken, ठीक है। तो final velocity कितनी है 10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 5, तो 10 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस का 15 अपॉन 5, माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम ऑब्लिक एस का स्क्वायर भी लिख सकते हो या एम एस की पावर माइनस 2 लिख सकते हो, एक ही बात है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। और आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा कि रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, इसलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं,
ठीक है। तो जब भी कभी हमारी स्पीड रिड्यूस होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव साइन, उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा बेटा एक्सेलरेशन, तो वो गलत नहीं है। कभी आप सोचो कि उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा लेकिन ये तो रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। बस अगर नेगेटिव में आ गया तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्सेलरेशन नहीं ये रिटार्डेशन है, ठीक है। वो वैसे भी समझ में आ रहा है कि वो स्पीड डिक्रीज कर रहा था, पर आपको आंसर में एक स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है। ठीक है जी। इसके बाद जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसकी कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। ये इक्वेशंस जो हैं ये आप पहली बार पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर स्पीड इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट्स बढ़ती है, समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं यहाँ से चला मेरठ के लिए, तो शुरुआत में मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आती है, 15 मिनट बाद बढ़कर हो गई 50, और 15 मिनट बाद बढ़कर हो गई 60, और 15 मिनट बाद बढ़कर हो गई 70, और 15 मिनट बाद हो गई 80। तो हर 15 मिनट में मेरी स्पीड बढ़ गई 10 किलोमीटर पर आ, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, इधर लिख लो मैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बेटा तीन इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, वो तीनों इक्वेशंस जो है ना वो हम वन बाय वन करके प्रूफ भी करेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं। देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। तो पहली क्या होती है, स्मॉल v, लिखेंगे स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस स्मॉल a इनटू t, स्मॉल v, v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये हो गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस हो गए, वेयर हम नोट करें, वेयर small u is where small u is initial velocity, small v is final velocity, small a is acceleration,
स्मॉल टी इज टाइम टेकन और एस इज डिस्प्लेसमेंट. एस इज डिस्प्लेसमेंट. आप ये देख लीजिए सारी वैल्यू हो गई. यहां पर क्या क्या यूज हो रहा है, यू वी ए टी एस. तो यू होता है हमेशा याद रखना, जैसे हम नॉर्मली स्पीड के लिए वी बोल देते थे, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम बोलेंगे स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम बोलेंगे स्मॉल वी, एक्सेलरेशन के लिए ए हो जाएगा, टाइम टेकन के लिए टी, और एस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है, तो ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. फिर क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनका प्रूफ. लिखेंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको प्रूफ करना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रूफ है वो क्या होगा, वी नो दैट एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी minus acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time taken. ये हम जानते हैं acceleration का formula होता है change in velocity upon time taken. तो acceleration क्या हो गया, final velocity minus initial velocity upon time taken. ये भी एक question में भी करा था हमने. ठीक है, और बेटा फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, वी. इनिशियल वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं यू और एक्सेलरेशन को बोल रहे हैं ए. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू और टाइम टेकन को क्या बोल रहे हैं, स्मॉल टी. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू हो गया वी माइनस यू. ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. इस माइनस यू को अगर इधर ले आएंगे तो प्लस यू हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा u और ये 80 तो प्लस का था ही, तो u plus 80 is equal to v. इस पूरी इक्वेशन को पलट कर देते हो, u plus 80 is equal to v बोलो या v is equal to u plus 80 बोलो, एक ही तो बात है. तो हम कहेंगे v is equal to u plus 80. इसको एक बॉक्स में डाल दीजिए, ये हो गया proved. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई. उसके बाद प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन
proof of second equation of motion. प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा. जैसे यहाँ पर आपने शुरुआत में लगाया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यहाँ पर आप लगाएंगे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. आप लिखेंगे वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी is equal to initial velocity plus final velocity, initial velocity plus final velocity upon 2, initial velocity plus final velocity upon 2. ये average velocity का formula हमें पता है. अच्छा, ऑल्सो ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. ठीक, अब जरा देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. एस, डिस्प्लेसमेंट तो एस होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एस. और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब वी अपॉन टू. ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी को लिख देंगे यू प्लस वी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन. टाइम टेकन क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी. ठीक है, यहाँ तक समझ गए. ठीक, यहाँ तक समझने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी को टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ठीक है, और मैं अगर पूरी मतलब पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन करते हैं उसके लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, भाई पूरी जर्नी के लिए हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे. तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, अब एस इज इक्वल टू है यू प्लस, और ये जो वी है ना बेटा, इस वी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ यू प्लस 80. ठीक है, तो वी की जगह मैं लिख दूंगा यू प्लस 80 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, समझ गए. तो हम क्या करेंगे, यू तो एज इट इज और वी की जगह लिख देंगे यू प्लस 80 अपॉन में टू बी एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में टी बी एज इट इज रहेगा. भाई एक ही तो बात है, U प्लस वी की जगह आपने U प्लस 80 लिख दिया. यहाँ रीजन में लिखते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये चीज जो आई ये आप कहाँ से समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन से समझ गए. अब S इज इक्वल टू U प्लस U क्या हो गया बेटा, 2U प्लस 80 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी. अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 2u हो जाएगा टी के साथ मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू 2ut, बीच में प्लस का साइन है. 80 को अगर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर. बहुत बढ़िया, 80 स्क्वायर और अपॉन में 2 है ही. ठीक है, तो अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ होता है तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट भी कर सकता हूँ. मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू 2ut अपॉन टू प्लस 80 स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, प्लस 80 स्क्वायर अपॉन टू. अब इस बार 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एस इज इक्वल टू हो गया बेटा यू टी प्लस, ये जो अपॉन में 2 है इसको अलग से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ और 80 स्क्वायर. इस हाफ 80 स्क्वायर का मतलब 80 स्क्वायर बाई 2 ही है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है, इसको एक बॉक्स में डालो और यहाँ पर लिखिएगा प्रूव्ड. ये प्रूव हो गया,
इसके बाद देखिएगा, मैं ये मिटा रहा हूं। अब जो थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as, अब मुझे इसको प्रूव करना है। तो देखिए जी, थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव होती है। मोशन के प्रूफ के लिए मैं ये कहूंगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut + ½at² ठीक है। इस प्रूफ के केस में इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिख देना फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने सेकंड प्लेस पे लिख दिया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, उसका नाम ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u + at, इसको पलट कर लिख दो तो क्या हो जाएगा, u + at is equal to v, at क्या हो जाएगा, at is equal to v - u, और यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल t की वैल्यू v - u / a, ठीक है। मैंने क्या करा, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, उसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, और जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u + at, यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v - u / a, तो यहाँ से t की हमने वैल्यू निकाली। अब आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, t की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो कैसे होगा, s इज इक्वल टू u और t की जगह क्या आ गया, v - u / a, ठीक है, t की जगह आ गया v - u / a प्लस हाफ a और t की जगह क्या आ जाएगा, v - u / a² v - u² हो गया और बेटा a का भी स्क्वायर हो गया, सही है, समझ गए भाई, t स्क्वायर कर रहा है यहां पर, a t स्क्वायर है, तो t का मतलब है v - u / a, तो v - u का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, क्योंकि t के पूरे की तो वैल्यू है, तो t का स्क्वायर हो रहा है तो पूरे का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे का स्क्वायर होगा, समझ गए, नहीं समझे, चलो हटा दो। अब ये कहेंगे कि हाफ ये क्या था, ut + ½at², t की वैल्यू मैंने निकाली v - u / a, यहाँ से u + at इज इक्वल टू v है, तो at क्या हो गया v - u, तो t क्या हो गया v - u / a, ठीक है। अब मैंने t की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर है u, तो t की जगह मैं डाल दूंगा बेटा v - u / a, ये मैंने t की जगह डाल दिया, प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a एज इट इज, और t स्क्वायर का मतलब क्या है, बड़ी थी v - u / a का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो ut + ½at² ये कर दिया। s इज इक्वल टू, अब इनको एक्सपेंड करो, जैसे u इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा uv, और u u में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -u² ब्रैकेट में आ गया ये अपॉन में a, प्लस
अब ये है हाफ ए और इधर है वी माइनस यू का स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर आ गया तो एक ए से एक ए कट गया, तो अब क्या आ गया एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस न्यूमरेटर में बेटा v माइनस यू का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए 2 ए, ठीक है ये हो गया। यहाँ तक समझ गए? नहीं फिर लास्ट वाला नहीं चाहिए, ये u को v से मल्टीप्लाई करा तो यू वी आ गया, बीच में माइनस का साइन, u को u से मल्टीप्लाई करा तो यू स्क्वायर अपॉन में ए था ही, यहाँ पर ये हाफ है ये a है v माइनस यू का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ए है तो ए का स्क्वायर, तो इधर ए था तो ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो डिनोमिनेटर में केवल ए बचा, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया अगले स्टेप में और 2 इंटू ए क्या हो गया 2 ए और ऊपर क्या बचा बी माइनस यू का होल स्क्वायर। अभी क्लियर? हाँ अब देखिएगा, अब मैं आगे कर रहा हूँ उस तरफ, देखिए s इज इक्वल टू, अब आप यहां देखो यहां पर a है और यहां पर 2a है तो a और 2a का बैठ लीजिए, a और 2a का LCM क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है सर पूरी तो s इज इक्वल टू यहां पर मैंने लिख दिया 2a, यहां पर लिख दिया 2a, अब आप ये देखिएगा a में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2a आ जाए 2 है ना और फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई एलसीएम में ये तो करेंगे कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2, नहीं समझे समझ लो सुधांशु ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इनटू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर, तो अब ना इसको बस एक्सपेंड करना है, ये हो गया 2 इंटू यू वी और ये हो गया 2 इंटू माइनस यू स्क्वायर मतलब माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस ये है वी माइनस यू का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी अपॉन 2a, अब माइनस 2 यू वी और प्लस 2 यू वी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है तो s इज इक्वल टू इधर बचा v स्क्वायर और अब आप ये बताओ जैसे माइनस 2x प्लस 1x होता है तो उसको माइनस x बोल देते हैं, इसी तरह से माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है तो उसको क्या बोल देंगे माइनस यू स्क्वायर, जैसे माइनस 2x प्लस 1x होता है तो वो हो जाता है माइनस 1x, जैसे ये यू स्क्वायर x की तरह ही है तो माइनस 2x प्लस x क्या हो जाएगा माइनस x यानी कि माइनस u स्क्वायर आ जाएगा सर और अपॉन में 2a 2a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अभी माइनस u स्क्वायर को इधर ले आओ तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, बस इसको पलट कर लिख दो आप u स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर है, इसको पलट कर लिख दीजिए ऐसे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूव होगी, ठीक है जी इतना करिएगा, इनको रिवाइज करके देखना एक बार, इनको लर्न करके एक बार खुद से प्रूव करके दोबारा देखना, ठीक है।